Dash again China record on environmental protection has become a ubiquitous pastime at energy summit, especially among those already inclined to infective on such topic. Infective के मीनिंग है insulting और harsh language. तो कुछ ऐसा तासुर आ रहा है कि dash against China record on environmental protection has become a ubiquitous pastime of energy summits. Energy summits की बात हो रही है especially among those already inclined to infective on such topic. तो कोई एक बात तो तय है कि कोई ना कोई negative word की बात होनी चाहिए. अब यहाँ पर जो option दिए हैं इनमें एक word है invective, जिसके मीनिंग होते हैं विनिंग ओवर बाय फ्लैटरी. देखिए इंग्लिश बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है. मेजॉरिटी सेंटर में इंग्लिश पे कोई तवज्जो नहीं देते. मैं इंग्लिश पे बहुत तवज्जो देने का क्योंकि बहुत बहुत अहम है इंग्लिश आपके लिए पूरी लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं आगे चल के भी. आप ये देखो कि एक बहुत इससे मिलता जुलता वर्ड होता है जिसके मीनिंग इन्वेजिंग होते हैं, जिसके मीनिंग होते हैं एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल रेलिंग अगेंस्ट. एंड ऑफकोर्स अगर ये वर्ड होता है इन्वेजिंग तो बिल्कुल ये आ जाता, क्योंकि भाई ऐसे ही मीनिंग दिख रहे हैं. साफ बात है कि ये आंसर हमारा हो जाता. मगर 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 स्पेलिंग और से देखें, इन्वेंचिंग नहीं इन्वेलिंग है. विनिंग ओवर बाय फ्लैटरी यानी जीत चला की मकारी से. यहाँ कोई इसका सेंस नहीं बनता है सेंटेंस में. एक और वर्ड है स्पेकुलेटिंग, जिसके मीनिंग होते हैं टू न्यूट्रल. नीडिंग मीनिंग टीसिंग और प्रोवेकिंग, लाउडिंग प्रेसिंग. जबकि रेंडिंग के सेम मीनिंग है यानी जो किसके इन्वेंचिंग के एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल रेलिंग अगेंस्ट. तो यहाँ क्या होगा जी, करेक्ट वर्ड रनिंग अगेंस्ट चाइना रिकॉर्ड ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हैज बिकम अ यूबिकेशियस पास्ट टाइम ऑफ एनर्जी समिट स्पेशली अमंग दोस ऑलरेडी इंक्लाइड टू इन्फेक्टिव ऑन सच. अब देखिए कितना वर्ड है जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, इन्वेकलिंग और इन्वेचिंग ये सुने भी नहीं होंगे. जबकि अगर किसी ने इन्वेचिंग याद है तो फौरन आंख बंद करके लिख देगा जबकि इन्वेलिंग और इन्वेचिंग कोई भी बात पॉसिबल ही नहीं थी. ठीक है इन्वेचिंग होती लेकिन इन्वेचिंग था ही नहीं ऑप्शन में, इन्वेलिंग था. स्पेकुलेटिंग के मीनिंग भी लोगों को नहीं पता होता है, राउडिंग के पता होते हैं, रेंटिंग नीडिंग के भी मेजॉरिटी को नहीं पता. तो देखें इस टाइप की इंग्लिश यहाँ आती है.